आपको आज मेन कंप्यूटर सिस्टम में एसेसरी पार्ट्स बताएंगे। एसेसरी पार्ट्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस वन पेयर पाया जाता है। वन टेस्टिस दैट इज सिंगुलर हियर TESTIS प्रेजेंट इन द स्क्रोटम एंड द रेटी टेस्टिस विच जनरली ओपन्स और यू कैन से इंटर्स इन द एपिडाइडाइमिस बाय द हेल्प ऑफ उल्फियन कैनाल। दिस क्वाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडाइडाइमिस दिस इज कॉल्ड एज वासा इपेंसिया। दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वासा इपेंसिया। वासा इपेंसिया विच जनरली प्रेजेंट इन द एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस आर ऑफ थ्री पार्ट्स एज एंटीरियरली इच इज कैपुट एपिडाइडाइमिस एंड एंडर एंड इट इज काउडा एपिडाइडाइमिस एंड इन द मिडल कार्पस एपिडाइडाइमिस। वास डिफरेंस ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एराइजेज फ्रॉम द काउडा एपिडाइडाइमिस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज काउडा एपिडाइडाइमिस। हियर फ्रॉम काउडा एपिडाइडाइमिस विच जनरली अटैच विद द पार्ट कॉल्ड एज द गेबर्नेकुलम। गेबर्नेकुलम पार्ट इट अटैच विद द बिसेंट्रीज इन द स्कोटम। हियर द एसेसरी पार्ट्स एज एसेसरी पार्ट्स आर जनरली नेमली द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड सेमिनल वेसिकल दीज आर द ग्लैंड्स एंड अदर एसेसरी पार्ट आर कंसीडर एज द पेनिस एपिडाइडाइमिस वास डिफरेंस ईटीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली इट इज सिंगल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोब स्ट्रक्चर। इन द फॉर्म ऑफ लोब सेल प्रोस्टेट ग्लैंड का इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वह है सीक्रेट्स एल्केलाइन फ्लूइड। सीक्रेट्स एल्केलाइन फ्लूइड विच है स्पर्मिन फाइब्रिनो
लाइसिन एंड लाइसोजाइम मेन फंक्शन इज किल्स द जर्म्स इन द सीमेन इन द इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज इट है 25-30% ऑफ सीमेन आफ्टर प्रोस्टेट ग्लैंड एंडर इज काउपर्स ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड इज कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड आल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड इज वन पेयर एंड इट इज इट सीक्रेट्स व्हाइट सीक्रेशन व्हाइट एडहेसिव फ्लूइड व्हाइट एडहेसिव मींस अटैचिंग फ्लूइड व्हिच इंक्रीजेस फ्लो ऑफ स्पर्म इन द यूरेथ्रा फ्लो ऑफ स्पर्म इन द यूरेथ्रा नेक्स्ट वन सेमिनल वेसिकल एज सेमिनल वेसिकल इज थर्ड ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर एज एसेसरी पार्ट इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल इज सैक लाइक स्ट्रक्चर इट इज 45 centimeter लॉन्ग नेक्स्ट इट कंटेन्स फ्रुक्टोज एनर्जी कंपाउंड एंड कैल्शियम आयन विथ स्पर्म्स एंड वाटर सेमिनल वेसिकल इनर वॉल इज ग्लैंडुलर which help in the storage of sperm. So important point as first, second, third, fourth for seminal vesicle which is sac-like structure. Generally, seminal vesicle which attach with the a tubule of ampulla part of vas deferens. Tubule of ampulla when combined with the seminal duct, it makes ejaculatory duct.
ejaculatory duct opens in the urethra. Here I have told you about the different glands which are called as accessory parts in the male reproductive system of human, in which first one is prostate gland, which first character is that is it is single. Second character is present in the form of lobed shape. Third one is prostate gland secretes alkaline fluid, which has spermin, fibrinolysin and lysozyme. Spermin, which generally kills the germs present in the semen. Fibrinolysin, which generally helpful in the motility of the sperm. Lysozyme generally destroy the product, which generally produces during the spermin reaction. And the fifth important fact of prostate gland is it has 25-30% of semen. So seminal vesicle, which occupy more than 60% part of semen. Seminal vesicle occupy more than 60% part of the semen. Now come to the next topic about the penis. Here penis is called as male genitalia. Penis is generally it is has three part. First part is root lobe. Second part is main body. And third part is called as glans penis. Here root lobe has two parts. One is called as bulb of lobe, another is called as basal body or basal part of lobe. Main body present between the root lobe and glans penis. Glans penis is very sensitive part present at terminal part of penis. Covered by hair skin. Hair skin sometimes called as prepuce, which cover the a
सेंसिटिव पार्ट ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स फोर स्किन बिकम अनकवर्ड हियर द टीएस ऑफ पेनिस एज नोटिस हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर दिस इज टीएस दिस इज टीएस ऑफ पेनिस मींस मेल जेनिटेलिया विच हैज टू लोब्स ऑफ द कार्पस कैलोसा विच इज कॉल्ड एज कार्पोरा कैलोसा एंड ए सिंगल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कार्पस कैलोसम कार्पस कैलोसम जनरली हैज द स्पंजी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्पस स्पॉन्जिओसम कार्पस स्पॉन्जिओसम प्रेजेंट एट द वेंट्रल सर्फेस ऑफ पेनिस एंड कार्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट एट द डॉर्सल सर्फेस बिटवीन द टू लोब्स ऑफ कार्पोरा कैवर्नोसा दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेप्टम हियर द ब्लड वेसल्स विच सराउंड इन द कार्पस स्पॉन्जिओसम दीज आर ब्लड वेसल्स और यू कैन से द स्पॉन्जी टिश्यू विच जनरली स्वेल अप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड साइनसेस व्हेन ब्लड साइनसेस फिल्ड विथ ब्लड देन स्पॉन्जी टिश्यू स्वेल अप एंड इन द सेंटर दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा हियर पेनिस आउटर पार्ट इज एपिडर्मिस बिलो एपिडर्मिस इज डर्मिस पार्ट दिस इज डर्मिस पार्ट डर्मिस पार्ट प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस बिलो द डर्मिस द प्रेजेंस ऑफ वन टिश्यू विच जनरली कॉल्ड एज द आउटर कवरिंग ऑफ द पेनिस दिस कार्पोरा कैवर्नोसा आल्सो हैज ब्लड साइनसेस अरेंज इन द रिंग फॉर्म सो दिस स्ट्रक्चर इज टीएस ऑफ पेनिस और मेल जेनिटेलिया पेनिस इज कॉल्ड मेल जेनिटेलिया
इन विच सीमेंट कम्स आउट थ्रू यूरेथ्रा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉपुलेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अकर इन विच द ड्यू टू द कंट्रिक्शन ऑफ द स्पंजी टिश्यू द ब्लड फिल्ड इन द साइनसिस एंड स्पंजी टिश्यू प्रेशर रिजल्ट देयर इज ए टाइप ऑफ एक्साइटमेंट अकर इन द कॉपस ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड देन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल कंट्रिक्शन सीमेन कम्स आउट थ्रू यूरेथ्रा एंड रीचेज इन द वजाइना ऑफ फीमेल इट इज कॉल्ड इनसेमिनेशन सो इनसेमिनेशन हैज डन बाय द हेल्प ऑफ पेनिस और मेल जिनाइटेलिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल जिनाइटेलिया इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ्टर दिस स्टडी ऑफ सच स्ट्रक्चर नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एपिडाइडाइमिस इन द एपिडाइडाइमिस मेन फंक्शन इज स्टोरेज एंड मैच्यूरेशन ऑफ द स्पर्म टेक प्लेस इन द एपिडाइडाइमिस सो एपिडाइडाइमिस मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स एंड सेकंड मेन फंक्शन इज मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म्स एंड थर्ड मेन फंक्शन इज इट इज अटैच विद द वास डिफरेंस Which transfer sperm to the seminal vesicle from the testis. Testis means primary sex organ. So epididymis, which is generally helpful in the storage of sperm. Here sperms mature, and one very important function of epididymis is generally the capacitation occur in the epididymis. Capacitation means the sperm develop a capacity to penetrate the ovum during the fertilization, and this capacitation develop in the epididymis. In the epididymis, there are three parts. Epididymis has three parts as caput epididymis, corpus epididymis, and cauda epididymis. Caput is anterior part, corpus is middle part, and cauda is posterior epididymis.
So you study about the several accessory parts in the male reproductive system of human, including the epididymis and penis. Here, TS of penis shows that presence of the three vertical cords in the penis, where one pair cords as corpora cavernosa present at the dorsal surface of penis, and a single cord called corpus spongiosum at the ventral surface, in which urethra present. It has spongy tissue with blood sinuses. When blood filled in the blood sinuses, then spongy tissue swell up and causes a pressure on the blood sinuses. So as a result of this swelling of spongy tissue, penis become erect, hard and full length during the excitement by a type of psychological or a type of reflex action. During the rhythmic copulation in the vagina, the secretion of the fluid occur by the vagina also, which makes the easy without any friction copulation occur. During the full effort, due to the contraction in the seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland, semen comes out frequently through the urethra. There are few types of defect occur in the male reproductive system due to the few reason. These defects are discussed here. Like, as first condition is, one important term is castration. What is castration? This is the question. Castration को बधियाकरण नहीं कर सकते, बल्कि बधियाकरण करने की एक प्रक्रिया जिसमें टेस्टिस को ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सर्जिकल मेथड से ह्यूमन मेल के बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. इट मीन्स रिमूवल ऑफ टेस्टिस फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाय द सर्जिकल मेथड इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन. इन द टर्म इंक्लूड्स दैट इज द प्रोस्टाइटिस मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड
एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन द ओल्ड एज इज कॉल्ड प्रोस्टाइटिस। इन विच ट्रीटमेंट अकर बाय द सर्जरी ट्रीटमेंट अकर बाय द सर्जरी। हियर द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज और टेम्परेचर ऑफ स्कोटम इज लेस देन द एब्डोमेन। दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड इन सेवरल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन टू। टेम्परेचर ऑफ स्कोटम इज अबाउट 2 to 2.5 degree Celsius less than the abdomen. Hence, the development of sperm take place. Development of sperm occurs at this temperature. Development of sperm occur at this temperature. Here, in few mammals, like for example, the exceptions are found. Exception in few mammals like dog, bat and whale, and elephant testis found or testis present in the abdominal cavity. Not outside. Unlike in human being. So testis which present as the outside and here outside and temperature of scrotum is about 2 to 2.5 degrees Celsius less than the abdomen. Hence development of sperm occur at this temperature. Outside position of testis as the exception. Here outside testis and temperature of scrotum less than 2 to 2.5 is found in human. Here it is found in human being, but in few mammal the testis present in the abdomen cavity. Testis present in the abdominal cavity in the dog, bat, whale and elephant like mammal.
These are mammals. But in human, it is found outside. So, in the male reproductive system of human, the accessory parts has discussed, which has important role as the vast difference which generally has the ciliated epithelium inside. This ciliated epithelium is helpful in the movement of the sperm in the vas deferens in the ampulla. This sperm collected and stored up in the seminal vesicle. The term seminal vesicle has given due to the vesicle like structure, and seminal vesicle is about 45 cm long, it has mentioned. Generally, the seminal vesicle has the hair, total seminal vesicle length is 4.5 cm, not 45. And total length of the penis is 16 to 17 centimeter, which is called as the main body, glans penis, and the root bulb. As gestation sometime occur, in which the testis removes outside by the surgical method. And in the old age, when swelling of prostate gland occur, difficulty occurs in the urination, then prostate gland remove outside by the surgical method. In the last, we studied that testis is outside in human because scrotum has less than 2 to 2 pi degree Celsius temperature than the abdomen. And abdomen means human body has the temperature of 37 degree Celsius. It means scrotum has a temperature of 34.5 degree Celsius. So, 34.5 degree Celsius temperature of scrotum in which testis is present, so it is suitable for the development of sperm at this temperature. Because at this temperature, here one very important term, that is the spermatogenesis. Spermatogenesis means in the spermatogenesis, development of sperm occur. Development of sperm occur. Development of sperm occur in the spermatogenesis. In the spermatogenesis, development of sperm occur in the testis. In the seminiferous tubule. Seminiferous tubule consider as unit of testis. So these are the point about the male reproductive system of human and accessory parts. And you like and subscribe my channel.